हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अभी हम हैं जर्मनी के पसाओ सिटी के अंदर, और मैं अभी स्टेशन के बाहर आया हूँ। और स्टेशन के बाहर कुछ ऐसा यहाँ का व्यू है, और ये एक सिटी सेंटर की तरह बना हुआ है। यहाँ पे कुछ मार्केट्स वगैरह है, यहाँ पे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। और ये सिटी एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस के हवाले से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। आप वहाँ पे जाके गूगल पे इसके बारे में सर्च कर सकते हो। और यहाँ का कहते हैं 50,000 पॉपुलेशन है, जिसमें से 12,000 जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं। तो जो पहला सिटी का व्यू है वो तो बहुत ही कमाल का है। जैसे हमारे इटली के अंदर, हमारे त्रेंटिनो के अंदर जो है रिवा दिल गार्दा वगैरह फेमस है, ये कुछ इसी तरह का सिटी लग रहा है। क्योंकि मैं जब रास्ते से आ रहा था तो वहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे लेक्स वगैरह भी मैंने रास्ते में देखी हैं, तो वो भी मेरे ख्याल से इसी सिटी के साथ अटैच होती हैं। तो जब मेरे भाई आते हैं तो फिर उनसे इन्फॉर्मेशन कुछ लेते हैं। बाकी अभी मैं उनका इंतज़ार करता हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। मगर जो इस सिटी की पहली वाइब है वो तो बहुत ही कमाल की है। सिटी की लुक तो बहुत अच्छी है। ये कुछ बिल्डिंग्स नई भी बनी हुई हैं, कुछ उन्होंने अपनी पुरानी जो कल्चर है वो भी रिजर्व करके रखा हुआ है। और यार सफाई तो एंड है कसम से, इटली से बहुत ज़्यादा इटली से ज़्यादा सफाई है। अगर आप ये स्ट्रीट्स वगैरह भी देखो तो बहुत ज़्यादा साफ। यहाँ पे ये कुछ पाने फीचो वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पे मूलर, और ये H&M जिसे हम अपनी इटालियन में अक्का एम कहते हैं, और ये पोर्शे, और ये परुखेरे। यहाँ पे यार, यहाँ तो मेरे ख्याल से उनसे मैंने पूछने, यहाँ तो ये टूरिस्ट एरिया है सारा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई लग रहा है। और यहाँ की ये लोकल बस, क्योंकि जो हमारे वहाँ पे त्रेंटिनो में भी है ना, या इटली में भी जो टूरिस्ट एरिया है वो इसी तरह के प्यारे प्यारे बने हुए हैं, मगर पूरा इटली ऐसा नहीं है। बट चलो, हमारा तो दिन अच्छा हो गया है। सुबह शुरू बुरा हुआ था वो स्टारबक्स की कैफे से, मगर अभी जो है ना ये सारी ब्यूटी देख के बहुत ही अच्छा दिन हो गया है। और ऊपर से आज मौसम भी साथ दे रहा है, सूरज है सर के ऊपर। अब यहाँ की ये सफाई देख के, ये ऑर्गेनाइज्ड एरिया देख के, मेरी जो फ्रैंकफर्ट की एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अप लेवल पे चली गई हैं। क्योंकि और मुझे ये भी इतना भी पता है कि जो एक कंट्री का सेंटर होता है ना, जैसे इटली में आप कर लो मिलान है, रोम है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उन एरियाज को क्लीन रखना बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे बहुत टूरिस्ट भी आते हैं और बहुत सी पॉपुलेशन वहाँ पे ऑलरेडी होती है, तो वहाँ पे सफाई का इतना ख्याल रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह हमारा जो त्रेंटो है वहाँ पे सफाई बहुत ज़्यादा रखी जाती है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है और ज़्यादातर टूरिस्ट आता है। तो ये भी एरिए की पॉपुलेशन कम है, यहाँ पे सिर्फ 50,000 लोग रहते हैं, इसी वजह से यहाँ इन्होंने भी वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल मेंटेन्ड हर चीज़ रखी हुई है। ये यहाँ पे मेरे पीछे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये बैंक है, ये VR बैंक पासाओ, ये यहाँ का इस सिटी का बैंक आ गया। और इस तरफ ये कुछ स्ट्रीट है, और वहाँ पे मेरे ख्याल से एक प्लाजा वगैरह बना हुआ है, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। और ये यहाँ का स्क्वायर है, ये आपको देख रहे होंगे आप लोग बैठे हुए हैं, और एक स्ट्रीट यहाँ पे नीचे जाती है, ये रोड है मेन। और अब हम चलते हैं वो निचली स्ट्रीट पे, और निचली स्ट्रीट पे फिर चल के देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है। वहाँ पे लगता है कुछ शॉप्स वगैरह होंगी। तो जी, ये है यहाँ का शॉपिंग मॉल,
अभी अभी सुबह सुबह का, अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो ओपनिंग हो रही है, लोग सफाई वगैरह कर रहे हैं। यहाँ से मैं गुजर रहा था तो ये देखिए, ये हमारा इंटीसीमी इटालियन ब्रांड, ये भी यहाँ पे है। और इसी तरह और भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्रांड्स बने हुए हैं। आगे चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं। आपको ये तो पता होना चाहिए, अगर आप जर्मन में आ रहे हैं तो जर्मन में और इटली में आपको ब्रांड तो बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। और यार ये देखो बहुत ही ज़्यादा प्यारा बना हुआ है। एक छोटे से शहर में बहुत ही छोटा सा शॉपिंग मॉल है, मगर उसे उन्होंने डेकोरेट बहुत ही अच्छा किया हुआ है। मेरा तो इस शहर को देख के प्यार सा ही हो गया। ये फिर हमारा इटालियन ब्रांड आ गया। तो भाई ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, यहाँ से एक फिश बॉक्स लेते हैं 5 यूरो 49 सेंट का, तो ये फिश बॉक्स ट्राई करते हैं। चाओ भाई जी, ये आ गए अपने फिश फ्राइड और फ्रेंच फ्राइज। ये एक सालसा है योगर्ट की तरह। अब देखते हैं फिर ये कैसा है, खा के चेक करते हैं। अब मेरे हाथ दोनों बुक है, एक मोबाइल के साथ और एक इसके साथ, तो अब मैं कहीं बैठ के खाता हूँ, तो फिर मिलते हैं। तो जी भाई अभी यहाँ पे हमें यहाँ पे जगह मिली है, अब यहाँ पे ही ट्राई कर लेते हैं। वाकई बहुत ही कमाल के हैं, बहुत ही कमाल के हैं। तो भाई अभी मैं यहाँ एक गांव में हूँ और ये गांव बहुत ही प्यारा सा है। यहाँ पे भी वही थीम है सारा, सारे विलास बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा लैंड है। और ये मुझे भाई बता रहे थे ये जो वर्कशॉप है यहाँ पे सिर्फ जो है ना पोर्शे तैयार होती हैं, और वो पोर्शे गाड़ियाँ जो दुबई में एक्सीडेंटल होती हैं ना, तो वो यहाँ पर लाते हैं और यहाँ पर दोबारा रीफर्निश करते हैं और फिर जो है ना उन्हें सेल वगैरह कर देते हैं। अभी हम फ्रैंकफर्ट जाने वाले हैं और फ्रैंकफर्ट जाने से पहले भाई ने डिसाइड किया कि अभी कार वॉश करवा लें, और ये नई टेक्नोलॉजी और कार वॉश हो रही है, सारी ऑटोमेटिक मशीनरी लगी है। और आप क्या बोलना चाहते हो इस मशीनरी के बारे में, कब से लगी है जी? ये तकरीबन 1 साल हो गया और ये बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी आई हुई है, तो इसमें कार जो है खुद बहुत ये किसी भी कंट्री में अभी नहीं आई, ये जर्मन ने पहले लॉन्च की है। सही है, तो आप इंग्लैंड जाए, आपके इंग्लैंड में कुछ नहीं लॉन्च हुआ वहाँ पे नवाज शरीफ लॉन्च हुआ। तो ये देखो जी, ये पानी खुद बहुत शुरू हो गया है और वहाँ ब्रश वगैरह लगे हुए हैं। तो हर आपकी तरफ से शीशा खोलू? आप भी बहुत कम नहाते हो ना इस वजह से। तो ये अभी कार वॉश होने के बाद अब ये जो है टेक्नोलॉजी यही से खुश करेगी बाहर से, अब वो जो हाथों से खुश करने वाला था ना वो सिस्टम खत्म हो गया। देखो टेक्नोलॉजी कैसी है, ऐसे लग रहा है जैसे एलन मस्क का रॉकेट लॉन्च हो रहा है। आप इसको बताए ना कि अभी हम फ्रैंकफर्ट जाने से पहले अगर ऑटो वॉश पे आए तो हमारा टाइम सेव हो गया है, अगर हम दूसरे पे जाते हैं हैंड वॉश पे जितना टाइम हमने ट्रैवल करना था उतना टाइम हमारा वेस्ट हो जाना था, गाड़ी वॉश करवाने पे फिर ड्राइव करने में फिर उसको धूप में खड़ा करना था, कब इसकी पॉलिश करनी है ताकि गाड़ी शाइन दे, तब तक वहाँ पर रात हो जाने से तो भाई हमारा वेट करते सो जाना था। ठीक है, तो अब हमने ये टाइम अपना सेव किया है, 3-4 आवर्स में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। और यही सारी चीजें आप इंग्लिश में बोल सकते हो? अभी मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, इंग्लिश नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो फिर इंग्लिश में रिलैक्स होगा। भाई अभी हम जर्मन के मोटरवे पे घूम रहे हैं और यहाँ पे जिधर भी देखो इतनी इतनी कमाल की गाड़ियाँ हैं, वहाँ पे इटली भी आपको वहाँ पे हज़ार हज़ार वाली गाड़ी मिलती है हर तरफ,
वाकई जर्मन का नाम है तो जर्मन में पता भी लगता है आगे कितनी कितनी कमाल की यहाँ पे टेक्नोलॉजी और गाड़ियाँ। और भाई से वो भी पूछते हैं, यहाँ पे एक जो हमने इटली में बहुत सुना है कि यहाँ पे एक रोड है जहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है स्पीड की, ये वाली रोड है, लेकिन ये भी सिटी में है ना। सही है, सिटी से बाहर अनलिमिटेड है, जितनी मर्जी है, जितनी मर्जी स्पीड पे। तो फिर क्या हम भी ट्राई करने वाले हैं? वो देखना ऊपर एक बंदा ओवर स्पीडिंग कर रहा है, साइकिल पे ओवर स्पीडिंग कर रहा है वो। अभी भाई यहाँ हम मैकडोनल्ड पे रुके हैं और यहाँ से अब हम कुछ खाने वाले हैं। हम क्या खाते हैं, क्या आपने डिसाइड किया जी? मैकडोनल्ड खाना है यहाँ से खाना है। अच्छा, बहुत आप फिश खाएंगे? फिश इधर देख के बोले ना, फिश फिश प्लेट बर्गर खा। अच्छा चलो सही है, ऑर्डर करते हैं। जी फाइनली हम फ्रैंकफर्ट के सिटी सेंटर में आ चुके हैं और जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी वो सारी सही निकली। और इतनी सफाई, इतनी ज़्यादा यहाँ पे सफाई है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तो कमाल है। सारी न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ पे उन्होंने अप्लाई की हुई है, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं। ये अब ये आप बिल्डिंग देख रहे हो ट्रैवलर, ये बिल्डिंग चेक करो। और ये टैक्सीज वगैरह इटली में आपको जितनी भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, सारा जो भी कुछ वहाँ पे है वो आपको एक क्लासिक लुक देता है। और अगर आप फ्रैंकफर्ट में आते हो तो आपको पता चलता है कि दुनिया में टेक्नोलॉजी भी कोई चीज है। तो जी अब हम आ चुके हैं यहाँ पे फ्रैंकफर्ट स्क्वायर में। और क्यों जी, ये मेन स्क्वायर है फ्रैंकफर्ट का जी, इसको साइल बोलते हैं, ये उधर से शुरू होता है। ठीक है, और इस टावर को क्या कहते हैं? सबसे बड़ा टावर, ये भी न्यू टावर बन रहा है। सही है, ये कॉम्ब्रस जर्मन का कॉम्ब्रस। तो इसकी हिस्ट्री क्या है इस स्क्वायर की, यहाँ पे ये कितना पुराना है, ये सारी बिल्डिंग वगैरह या सारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर नया ही है? तकरीबन इसको 50 ईयर्स हो गए हैं तकरीबन बने हुए ना। सही है, हाँ जी यार, वाकई जर्मन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। जैसे वीडियोस में, इंडिया की वीडियोस में देखा था ना, इंडिया की पता है वीडियोस में दिखाते हैं मूवीज वगैरह में, यहाँ पे शूटिंग होती है, सेम वैसा ही है। ये ड्रीम सिटी है जर्मन की ना, ड्रीम सिटी है। और यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे तितलियाँ भी बहुत ज्यादा है। इधर भूंड भी बहुत ज्यादा है, तितलियाँ भी और भूंड भी। सही है भाई, यहाँ पे ये देखो कितनी बड़ी शॉप्स हैं तुर्किश की, वहाँ पे हमारे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। यहाँ पे आप तो यार सही बात है बहुत ज्यादा फर्तूनात हो कि आपके पास इतनी इतनी बड़ी तुर्किश की शॉप्स हैं, हमारे पास वहाँ पे कुछ भी नहीं है। यूके में बहुत है, नहीं यूके से आप तो देसी में जाते हैं ना। क्या है आपके उधर इटली में, ये है कि आप जो है ना वो तकरीबन जर्मन से 100 साल पीछे हैं यार। ये तो बहुत साल पीछे, आपने हिस्ट्री संभाली हुई है। आपने वो है ना, वो बूढ़े लोग हैं, बूढ़ी मारते हैं उधर की। ऐसे तो मैं यार देखो कितना कमाल का रेस्टोरेंट है तुर्किश का बना हुआ, ये चीजें मैं वीडियो में देखता हूं, इस तरह का माहौल है। भाई इस चीज को स्टैंडर्ड कहते हैं, सही बात है। ये देखो इस चीज को स्टैंडर्ड कहते हैं। तो भाई यहाँ पे ये इनका मेन्यू है और चलो मेन्यू देखते हैं। ये सारी तुर्किश डिशेज हैं। ये यहाँ पे स्टेक्स बने हुए हैं, ये स्टेक्स 24 यूरो का, ये आप खुद पढ़ लेना क्योंकि जर्मन में लिखा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे देखो ये फुल प्लेट है, ये भी प्लेट है, ये हाफ है और ये फुल है। इसमें मिक्स चिकन होता है सारा, जितना भी है ना चिकन और जो मटन वगैरह है वो सारा कुछ उन्होंने मिक्स रखा होता है इसके अंदर। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे राइस भी है, एक गोश्त भी है और उसके बाद थोड़ा सा सैलेड वगैरह भी है। ये और भी इनका ये सारा मेन्यू है। और इनकी देखो ये फेमस डिश यहाँ पे बकलावा, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। और अगर आप तुर्किश रेस्टोरेंट पे आते हो तो ये बकलावा लाजमी चेक करना, बहुत ही कमाल।
ये देखो ये सैलेड और ये पाने हो गए, और ये क्या चीज है? कड़ी सॉस। कड़ी सॉस सही है। ये तीन किस्म की सॉसेज हैं। सही है। और ये चिली सॉस। सही है। और ये आ गई हमारी लस्सी, जिसे तुर्किश में क्या कहते हैं? तुर्किश में आयरन। और अब हम भी चखते हैं और देखते हैं कैसा है। तो चलो जी चेक करते हैं। ये है मजा आ गया वाकई। तुर्की फुल जूसी है। था ऐसे ही है, फुल जूस से भरा हुआ है, मजे का है। और ये सारा क्रेडिट जाता है भाई को, ये हमारे बड़े भाई। गोल टू क्रेडिट सकलैंड शाह। कि हमने खाना खाया है यहाँ से और बहुत ही कमाल का खाना था। अगर आप भी आते हो तो यहाँ पे आप स्क्वायर पे आना और इस स्ट्रीट पे जाओगे तो आपको तुर्की स्टेक हाउस मिलेगा। वहाँ पे आप ये मैकडोनल्ड देख लो ना, मैकडोनल्ड के साथ इस स्ट्रीट पे जाओगे तो आपको तुर्की स्टेक हाउस मिलेगा, बहुत ही कमाल का। और आप 59 यूरो की एक डिश कर लेना, वो चार बंदे आराम से खा लेते हैं। उसमें मिक्स सारा जो है ना गोश्त वगैरह होता है भाई। ये है फ्रैंकफर्ट का सिटी सेंटर के अंदर ब्रिज, और इस टाइम लाइटिंग के साथ कितना ही खूबसूरत लग रहा है। और ये वो बेवकूफ लोग जो यहाँ पे लाख लगाते हैं, लवर, वो 2 रुपए वाले लवर, सस्ते लवर, नहीं टू नाइट्स जैसे इंग्लिश में कहते हैं, वन नाइट स्टैंड। हाँ जी, बस वही है ये वाले लवर। इधर ये स्पैनशा ने भी ये का लगाया था, मिल नहीं रहा, पक्का लगा रहा है वो, कहीं फांसी गया होगा। तो आप गोरशा बोलता है किसने लगाना है गुलाब? नहीं मैं गोरशा आप किसके लिए लाख लगा रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बाल मुझे ही किसी ने लाख लगा दिया। मुझे वारंटी से लाख लगाया। ये भी एक बहुत ही अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये ब्रिज। और अगर किसी ने शिप के साथ भी विजिट कर रहा है तो वो शिप से भी विजिट कर सकता है। ये बटरफ्लाईज तो हर तरफ होती है, असली है ना। और सबसे ज्यादा हम दोनों भाई हम तो देख रहे पप्पू बच्चे। तो भाई ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये सेंटर में, ये कभी पूरे यूरोपीय यूनियन का ये बैंक होता था। और अब जो है वो सामने जो बिल्डिंग है वो उन्होंने नया बैंक बनाया है। ये भी एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव बात है। और ये सिटी सेंटर जो है, ये सेंटर में वो मैं आपको जो है ना वो दिखाऊंगा कल, क्योंकि अभी अंधेरा हो चुका है और रोशनी में कल मैं आपको सारा विजिट कराऊंगा। उसकी भी एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहो और मेरे चैनल पे साथ बने रहना। फिर हम फ्रैंकफर्ट के बाद पेरिस और फ्रांस में भी जाने वाले हैं। फ्रांस की कुछ सिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।